नगर विकास मंत्री ए शर्मा ने शनिवार को सर्किट हाउस में महाकुंभ 2025 के संबंध में कराए जा रहे कार्यों की प्रगति एवं तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपने कार्यों को निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, जिससे हमारे जनपद एवं प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम ऊंचा हो। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करने के लिए भी कहा, सभी स्थायी कार्य निर्धारित सीमा में अवश्य पूर्ण करा लिए जाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दृष्टिगत जो भी स्थायी कार्य कराए जा रहे हैं, उन्हें इस गुणवत्ता के साथ बनाया जाए कि महाकुंभ के पश्चात भी उन कार्यों में कोई कमी न आने पाए, जिससे प्रयागराज की एक अलग पहचान हमेशा बनी रहे। उन्होंने मुख्य सड़कों के साथ साथ गलियों में बनाई जाने वाली आंतरिक सड़कों को भी उसी प्रकार की गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए कहा। उन्होंने ग्रीन महाकुंभ के दृष्टिगत सड़कों पर बने डिवाइडरों के बीच वृक्षारोपण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ व्यापक संख्या में पौधरोपण किए जाने के लिए कहा। मंत्री ने महाकुंभ के दृष्टिगत विभागवार कराए जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि राज्य सेतु निगम द्वारा कराए जा रहे कुल 14 कार्यों में 3 कार्य पूर्ण व 11 कार्य निर्माणाधीन है, जिस पर मंत्री ने सेतु निगम के अधिकारियों से कार्मिकों व शिफ्टों की संख्या बढ़ाकर कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराए जाने के लिए कहा। उन्होंने NHI द्वारा बनाए जा रहे रायबरेली प्रयागराज की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कार्य को समय से पूरा कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। मलाक हरहर से गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल के निर्माण कार्य को समय से पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। कुंभ के आयोजन को लेकर के कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारा विभाग और हमारे सभी साथी विभाग, सभी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के माननीय महापौर जी, माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जो काम चल रहा है उनके समीक्षा के लिए, कुछ कामों को स्वयं देखने के लिए और विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों की राय बात लेने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि हमारे नगर के जो महापौर जी हैं, हमारे सभासदगण जो हैं नगर निगम के, उन सब का इसमें योगदान सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है, तभी जा करके हम एक एक गली, एक एक कुचे को ठीक कर पाएंगे। उस दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ। अभी मैंने बहुत सारे हमारे पुराने और नए मित्रों को की बात सुनी है, सभी सभासदगण के भी हमने विचार सुने हैं और सबकी बातों सुनने के बाद अब मैं अधिकारियों के साथ मीटिंग करूँगा, समीक्षा करूँगा और जो विकास के काम चल रहे हैं उनको कैसे और गति दिया जाए, जिससे कि समय सीमा से वो पूर्ण हो और हमारा कुंभ जो है धरती पर एक मानव समुदाय का एक इतना बड़ा जमघट जो होता है उसको कैसे हम दिव्य और भव्य बनाए, उसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। बैठक में कुंभ मेलाधिकारी ने बताया कि संगम से एयरपोर्ट रोड के कायाकल्प की योजना, जिससे एयरपोर्ट से संगम तक मात्र 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा का कार्य व निर्माणाधीन 9 घाटों का कार्य तेजी से चल रहा है और सभी कार्य अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। परिवहन विभाग की समीक्षा में सभी बस स्टेशनों पर अतिरिक्त शौचालय बनाए जाने व मोबाइल टॉयलेट व उसकी सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में कुंभ मेलाधिकारी द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण हेतु कराए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। मंत्री ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए जा रहे सभी 79 परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए पांटून पुलों में लगने वाले साल स्लीपर के टेंडर के बारे में पूछा, जिस पर कुंभ मेलाधिकारी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी स्थायी कार्य अक्टूबर तक पूर्ण कर लिए जाएंगे व साल स्लीपर की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने गुणवत्ता की जाँच हेतु अतिरिक्त जाँच एजेंसियां लगाने के लिए कहा। मेलाधिकारी ने बताया कि पर्यटन स्थलों व मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। टेंट सिटी में इस बार 2000 टेंट लगाए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि ग्रीन कुंभ के लिए 1.5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। मंत्री ने मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन व उच्चीकरण की व्यवस्था किए जाने के साथ सभी अस्पतालों में मैनपावर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। बैठक में कुंभ मेलाधिकारी ने भीड़ निगरानी व भीड़ घनत्व के विश्लेषण हेतु AI आधारित मॉनिटरिंग किए जाने के बारे में बताया।
बैठक में महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वी के सिंह, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, पीयूष रंजन निषाद, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, यमुना पार अध्यक्ष विनोद प्रजापति, गंगा पार अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल व अन्य जन प्रतिनिधिगणों द्वारा भी अपने अपने सुझाव व समस्याएं बताई। इस अवसर पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग, डीसीपी नगर दीपक भूकर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। तत्पश्चात समीक्षा बैठक के उपरांत मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किला घाट से संगम जाकर वीआईपी जेटी पर पूजन एवं अर्चन किया। तदुपरांत उन्होंने किला घाट पर सिंचाई विभाग द्वारा बनाए जा रहे पक्के घाट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े हनुमान जी मंदिर जाकर भी दर्शन एवं पूजन किया। वहां प्रस्तावित कॉरिडोर संबंधित कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली।